लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मायसेल्फ शानू शर्मा, एलबीएस कॉलेज हरदा के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ क्रिएशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और ऑरल कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पहले पॉइंट का पहला प्रकार माना जाता है। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें ऑरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। मतलब अगर ए पार्टी है, ए पार्टी बी पार्टी को बोलती है मेरा लैपटॉप है, आप 10,000 रुपीज़ ले लीजिए और मुझसे लैपटॉप ले लीजिए। तो ए पार्टी उसको प्रपोजल देती है, उसको प्रस्ताव रखती है और बी पार्टी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, तो वो क्या हो जाता है, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ना हो, वो ऑरली भी उसको बोल सकती है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑरल में होता है और रिटर्न में होता है, आइदर रिटर्न और आइदर ऑरल, सो दिस इज़ व्हाट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें जो हमारा ठहराव होता है, जो हमारा अनुबंध होता है, वो लिखित भी होता है, अदरवाइज वो ऑरल भी हो सकता है। दिस इज व्हाट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड वन है हमारे पास इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा जब आप कभी शॉप पे मैगी लेने जाते हैं तो आपने शॉपकीपर की दुकान पे 20 रुपये रख दिए और उसने आपको मैगी दे दी, आपने उससे कुछ नहीं बोला, सो देर इज़ नो एनी कम्युनिकेशन। आप डेली बस स्टॉप पर जाते हैं और बस स्टॉप से आप आपके कॉलेज के रूट पे चले जाते हैं, आपके ऑफिस के रूट पे चले जाते हैं, आप बस में बैठे, आपने टिकट कटवाया और बस रूट वाले ने वहाँ बस स्टॉप पे गाड़ी रोकी और आप आपके कॉलेज या आपका जो भी कंपनी वगैरह है वहाँ पे उतर जाते हो। सो देर इज़ नो एनी कम्युनिकेशन, वो बिना कम्युनिकेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड हमारा होता है काजी कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट और इसका जो सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन 68 टू सेक्शन 72। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा देख सकते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो माइनर्स के साथ किए जाते हैं या अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति माइनर है, उसकी एज 18 साल से कम है और अगर आप उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी को किसी दूसरी पार्टी के नुकसान पर फ़ायदा हो रहा है ना, ए पार्टी के लॉस पर बी पार्टी को अगर प्रॉफिट होता है, तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं काजी कॉन्ट्रैक्ट। ऑलमोस्ट ये कॉन्ट्रैक्ट्स माइनर्स के साथ किए जाते हैं, अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ किए जाते हैं या कभी मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किए जाते हैं, कभी फ्रॉड के द्वारा किए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काजी कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, फर्स्ट तो हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ क्रिएशन, सेकेंड वन हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में हमारा पहला पॉइंट है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। किसी एक पार्टीज़ को अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करना होता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम देख सकते हैं जैसे कभी कोई पर्सन मिसिंग हो गया, कोई छोटा बच्चा घूम गया, उस बच्चे की आयु 10 वर्ष थी, तो हमने पेपर में ऐड देखा मिसिंग पर्सन। अगर आपको ये व्यक्ति कहीं मिलता है तो आपको 50,000 की धन राशि ए पार्टी के द्वारा प्राप्त आपको मिलेगी। आपको वो व्यक्ति मिलता है, आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं या जो नंबर आपके पास होता है आप उसको कांटेक्ट करते हो और आप उनके पेरेंट्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स को उस व्यक्ति सुपृत कर देते हो और आपको 50,000 रुपीज़ मिल जाते हैं। तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो एक पार्टी के परफॉर्मेंस को पूरा करता है, इसमें बी पार्टी का कोई रोल नहीं था। ए पार्टी को व्यक्ति मिला, उसने उनको दे दिया और उन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करा और उसको 50,000 रुपीज़ दे दिए। सेकेंड हमारा होता है बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, ये उसके अपोजिट होता है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के अपोजिट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। मतलब हमने क्या देखा था, हमने इन कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा था ये केवल एक ही पार्टी के द्वारा किए जा रहे थे, है ना। उसमें हमने एग्जांपल क्या देखा, मिसिंग पर्सन, ठीक है ना, मतलब कोई व्यक्ति घूम गया है, उसका आपने पेपर में ऐड देखा है और आपने उसका पता बता दिया उनके पेरेंट्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स को, और आपको 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपीज़ आपको रिसीव हो गए, तो दिस इज़ व्हाट यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हमारा आता है बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो दोनों पार्टीज़ द्वारा किए जाते हैं,
दोनों पार्टीज द्वारा की जाती है, मतलब इसमें ए पार्टी भी होती है बी भी होती है, मतलब सेलर भी होता है और बायर भी होता है। अब कैसे होता है सेलर और बायर, जैसे हमने बोला बाईपास पे हमको जो प्रॉपर्टी, जो हमको प्रॉपर्टी 5 एकड़ ज़मीन जो है वो हमको अच्छी, ए पार्टी को अच्छी लग रही है, बट वो किसके नाम पे, वो बी पार्टी के नाम पे, तो ए पार्टी बी पार्टी को बोलेगी भैया हमको आप ये जितने भी इसकी कीमत है 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ आप हमको ये प्रॉपर्टी ये ज़मीन आप हमको हमारे नाम पे कर दीजिए, ठीक है। तो बाई लेटर कॉन्ट्रैक्ट दोनों, बी पार्टी ए उनको प्रपोजल दे रही है, ए उनको प्रस्ताव पारित कर रही है, ठीक है ना, और बी पार्टी उनके प्रस्ताव को रिसीव कर रही है, उनके प्रपोजल को एक्सेप्टेंस कर रही है, फिर ये एग्रीमेंट बन रहा है, ये ठहराव बन रहा है, और ये एग्रीमेंट बाद में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सेलर और बायर दोनों का रोल होता है। अब थर्ड हमारा होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, जैसे अमेजोन साइट्स चलती है, फ्लिपकार्ट चलते हैं, है ना, आजकल मीशो चल रहा है वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए, उस पर हम लोग तरह तरह की ड्रेसेस देखते हैं, काफ़ी कम रेंज में, रीजनेबल रेंज में हम लोग देखते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि ऑनलाइन वालों ने आपके साथ ठगी कर लिए या कोई फ्रॉड कर लिया है या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या कोई गलत तरीके से आपको चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं, है ना। तो उसमें क्या हुआ है, आपने एक ड्रेस बुक करी जिसकी प्राइस है 6000 और वो ड्रेस 3 दिन उसको डिलीवरी में रखेंगे, चौथे दिन आपके घर पे आपके एड्रेस पे जाती है, आप वो ड्रेस रिसीव करते हो और उसको 6000 रुपीज़ बाई कैश देते हो या ऑनलाइन पेमेंट करते हो या बाय कार्ड से करते हो, है ना, जो भी आप करते हो कैश ऑन डिलीवरी करते हो, तो दिस इज़ वॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने 3 दिन पहले पैसा नहीं दिया है, जिस जब आपने उसको ऑनलाइन बुक करा, आप डोमिनोज से पिज्ज़ा बुक कर रहे हो, आपने बोला 240 रुपये का पिज्ज़ा आ रहा है, तो आपने ऑनलाइन उसको बुकिंग कर दिया और आपके 1 घंटे के बाद आपके पास पिज्ज़ा आ जाता है या विद इन हाफ आवर ही पिज़्ज़ा आ जाता है और आप उसको खा लेते हो और जैसे पिज़्ज़ा आता है आप उसको कैश पेमेंट कर देते हो, दिस इज़ वॉट, ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ हमारा होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज अपनी ड्यूटी को पूरा करती हैं, ठीक है। कैसे पूरा करती हैं दोनों पार्टीज अपनी ड्यूटीज को, जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कभी हम मूवीज़ देखने जाते हैं, ठीक है ना, या 12th क्लास का सिलेबस है, फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर बीबीए फर्स्ट ईयर का आपको सिलेबस बुक्स वगैरह लेनी है, आप शॉप पे गए, आपने सारे राइटर्स के नाम देखे, भैया साहित्य भवन पब्लिकेशन और ये और वो, पूरा बीकॉम फर्स्ट ईयर का आपको सिलेबस लेना है और टोटल उसकी कॉस्ट पड़ रही है 3600 रुपये। आपने पूरा सिलेबस ले लिया, आपने दुकान वाले भैया को बोला भैया मुझे ये राइटर की बुक्स बता दीजिए, और दुकान वाले भैया ने आपको 3600 रुपीज़ का बिल बना दिया और आपने बुक्स ले ली और आपने उनको कैश पे कर दिया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप दुकान पे गए, आपको बुक्स लेनी थी, आपने बुक्स का नाम बताया, है ना, और शॉपकीपर ने आपको बुक्स हैंडओवर कर दी, सो दिस इज व्हाट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मूवी वाला एग्जाम्पल, हमको मूवी देखनी है, हम PVR चले गए, है ना, हम अल्हार मॉल चले गए, अब हम मूवी देख रहे हैं, हमने उसमें भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर दी, ठीक है ना, आप मूवी देखने जाते हो, आपने 220 रुपये का टिकट कटवाया है, आप मूवी देखते हो, दिस वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो भी क्या है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में हमारे पास 4 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, फर्स्ट वन इज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड वन इज बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ वन इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दिस इज क्लियर, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। सो इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अब अभी हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने देख लिया ऑन द बेसिस, मोड्स ऑफ परफॉर्मेंस देख लिया, परफॉर्मेंस देख लिया, थर्ड वन हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, मतलब ऐसी चीज़ें जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल हैं, मतलब कानूनी तौर पर उन पर कार्रवाई की जा सकती है, वो पूरी तरह से लीगल हैं, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो ठीक है, ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किस में आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, जिसमें लीगल रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। तो इसका पहला हमारे पास होता है वॉइड एग्रीमेंट, दिस इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब तो यही होता है कि जो इन्फोर्सिबल होते हैं लॉ के द्वारा, और इसका जो पहला प्रकार होता है वो होता है वॉइड एग्रीमेंट, और ये ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिसमें कोई इन्फोर्सिबल नहीं होता, किसमें वैध
ठहराव, मतलब ऐसे ठहराव होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो क्या होते हैं, लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होते, मतलब उनके पास कोई लिखित प्रूफ नहीं होता है। देर इज नो एनी एसेंशियल एलिमेंट्स। अच्छा, एसेंशियल एलिमेंट्स होते कौन से हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रपोजल देखते हैं, प्रस्ताव होता है, प्रोमिसर होता है, प्रपोजल एक्सेप्टेंस होता है, प्रोमिसी एक्सेप्टेंस होता है, फिर वो क्या होता है, कॉन्सिडरेशन होता है। कॉन्सिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इज गेटिंग, आपको कुछ प्राप्त हो रहा है। किसके रूप में प्राप्त हो रहा है, पैसों के रूप में कुछ चीज़ रिसीव की जा सकती है। हम जब मनी की बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे आप ये वाला पॉइंट्स देख रहे हो, देर इज नो एनी कॉन्सिडरेशन, समथिंग इज रिटर्न। कॉन्सिडरेशन इन्फोर्सिबिलिटी में होता है, और जो उसका पहला पॉइंट होता है वॉइड एग्रीमेंट, इसमें कोई भी क्या नहीं होता है, कोई कॉन्सिडरेशन नहीं होता है, मतलब इसमें कोई प्रतिफल नहीं होता है। जब कोई प्रतिफल ही नहीं होगा तो वो कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। और कॉन्सिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इज रिटर्न, जब हमको कुछ चीज़ किसी कॉन्ट्रैक्ट के बदले में कुछ चीज़ रिसीव होती है, तभी वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एनी एग्रीमेंट विथ माइनर अनसाउंड माइंड एनी मिस्टेक। वॉइड एग्रीमेंट ऐसे भी एग्रीमेंट्स होते हैं जो माइनर व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं, तो उसमें गर्ल्स की एज पहले 18 होती थी, अब 21 कर दी गई है, ठीक है ना। तो 21 या 18 जो भी निर्धारित एज है कोर्ट के द्वारा, और 17 साल में कोई गर्ल्स जो हैं जो कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट के पास जाके एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करने का सोचती हैं, तो क्या हो जाता है, वो एग्रीमेंट क्या हो जाता है, वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता है, ठीक है ना। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई माइनर है और वो बिजनेस स्टार्टअप करने का सोच रहा है, या उसने कोई सी प्रॉपर्टी डीलिंग कर ली है, बट वो माइनर है, तो वो एग्रीमेंट क्या नहीं हो सकता, इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं हो सकता है। कभी कोई गलती से कोई चीज़ें कर दी गई हैं, हमारा मन नहीं था बट हमने गलती से साइन कर दिए हैं, तो वो भी क्या होता है, वाइड एग्रीमेंट में आते हैं। अनक्लियर टर्म्स एंड कंडीशन, आपको भाषा समझ में नहीं आ रही थी, या आपको जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, जो प्रेजेंटेशन आपने समझा था, उसमें कोई टर्म्स और कंडीशन ऐसी थी जो आप लोगों को क्लियर ही नहीं हो पाई थी, तो ऐसे एग्रीमेंट भी कौन से होते हैं, वाइड एग्रीमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का पहला पॉइंट होता है वॉइड एग्रीमेंट, और वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है उसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जो कानूनी तौर पर सही नहीं होते हैं, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स किसी मिस्टेक के द्वारा, किसी मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, कोई फ्रॉड के द्वारा, या कोई माइनर के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें हमारा सेकेंड पॉइंट आता है इन्फोर्सिबल बाय लॉ में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इट इज अपोजिट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। अभी इसके पहले हमने पहला पॉइंट देखा था वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट में हमने देखा था मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं थे, मतलब जो कानूनी तौर पर सही नहीं थे। बट वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा ये होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कानूनी तौर पर पूरी तरह से लीगल हैं, जिनका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है, जिनका सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। आप बैंक में जॉब करते हो, आपने किसी कारणवश बैंक से जॉब छोड़ दी, आपको 3 साल का वहाँ से क्या मिलता है, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप बोलते हो कि आपने वहाँ पे 3 साल काम करा है, बट आपके पास कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है। फिर भले ही आपने 3.5 साल वहाँ पर जॉब किया, बट आपको वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी क्या करना था, बनवाना था। वो क्या होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या होता है, वैलिड प्रूफ। इट इज़ अपोजिट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट के बिल्कुल अपोजिट होता है। वॉइड एग्रीमेंट में जो सारी चीज़ें होती हैं, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो इलीगल होते हैं, जिनका कोई साक्ष्य नहीं होता है, जिनका कोई प्रूफ नहीं होता है। लीगल रेमेडीज अवेलेबल, ठीक है ना, इसमें सारे साक्ष्य होते हैं, इसमें सारी जो रेमेडीज होती हैं वो सारी लीगल होती हैं, सारी चीज़ें सत्य होती हैं, इसमें कोई फ्रॉड नहीं होता है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड वन हमारा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, देर इज नो लीगल रेमेडीज अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें कोई लीगल रेमेडीज अवेलेबल नहीं होती हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको ऐसे बताएंगे, जैसे हम लोग टूरिज्म वगैरह में जाते हैं, हमने MP टूरिज्म भी देखा है, और वो टूरिज्म वाले ने 40 लोग, एक फैमिली है, 2 फैमिलियों का प्लान बना दिया नेपाल जाने के लिए, वो लोग प्लान कर रहे हैं, बट क्या हो गया ना, नेपाल में भूकंप आ गए, टूरिज्म वाले ने पर पर्सन 70,000 सबसे एडवांस लेके रखा था, 50,000 नेक्स्ट टर्म में उसको लेना था, बट
जिस दिन उनको जाना था उसके 3 दिन पहले वहां पे क्या आ गया, भूकंप आ गया। आपको अमरनाथ जाना था, आपने पूरी एयर फ्लाइट से सब कुछ अपने बुकिंग वगैरह करवा के रखी थी, आपका 65,000 का पूरा बुकिंग था, बट एंड टाइम पे वहां पे पहाड़ पहाड़ गिर गए, पूरा बंद हो गया, अमरनाथ की गुफाएं बंद हो गई। तो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लीगल तो होते हैं, वो लीगल रेमेडीज तो होती हैं, बट वो क्या हो जाते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई सिंगर है, वो कहीं पे आने वाला था बट उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई, या उनकी फैमिली में किसी दादाजी एक्सपायर हो गए, तो वो किसी कारणवश अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सके। सो दिस इज वॉट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब उसमें फ्री कंसेंट ना हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में मतलब जो चीज़ें हो जाती हैं कभी फ्री कंसेंट, मतलब एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, ए प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनको सी पार्टी की जो प्रॉपर्टी है वो उनको काफ़ी अच्छी लगती है, बट जो सी पार्टी है वो ए पार्टी से अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती है, उनका मन है कि वो बी पार्टी को उनकी सारी ज़मीन सेल करें। बट होता ये है स्टूडेंट्स, फ्री कंसेंट का मतलब होता है स्वतंत्र सहमति, जो हम हमारे फ्री कंसेंट, हम हमारे माइंड सेट से, हम हमारी सहमति से जो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, ए पार्टी का मतलब, ए पार्टी का मन है जो सी पार्टी के पास जो प्रॉपर्टी है वो ए पार्टी को मिल जाए, बट सी पार्टी का मन है कि वो सारी उनकी प्रॉपर्टी बी पार्टी को दें। बट होता ये है कि ए पार्टी सी के पास जाती है और कहता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो हमको साइन करो, इसके बदले हम आपको 28 लाख रुपीस देंगे, और अगर आप नहीं देते हो तो हम आपको गोली मार देंगे। ठीक है, तो होता क्या है, सी पार्टी का मन नहीं था बट वो ए पार्टी के दबाव में उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो कुछ गलती हो जाएगी। बट क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो स्वतंत्र सहमति से नहीं किया गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब इसमें कोई फ्री कंसेंट ना हो, जब फ्री कंसेंट नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इसमें जाते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है ना, वो बी प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी डीलर था, उसने कोई बी में जो मीडिएटर था उसने ए को कोई गलत जानकारी दे दी, और वो गलत जानकारी के दौरान ए पार्टी ने वो मीडिएटर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, बट उसमें हुआ क्या था, फ्रॉड हुआ था। ये सारे फ्रॉड किस में देखे जाते हैं, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में देखे जाते हैं, बट उसमें कोई इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता है। इन्फोर्सिबल बाय लॉ जब होता है, जब आपने कोई एडवाइज़र कंपनी से कोई लिखित तौर में क्या करके रखा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट डील करके रखा है, आपने डब्बा ट्रेडिंग वगैरह से कुछ करके रखा है, तो उसमें कोई भी आपकी कार्रवाई पूरी नहीं की जाएगी। मतलब कोई से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बाई मिस्टेक किए गए हैं, जो फ्रॉड धोखाधड़ी से किए गए हैं, जो मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिए गए, आपको कोई गलत जानकारी दे दी गई हो, प्री कंसेंट ना हो, आप स्वतंत्र सहमति से आपने वो प्रॉपर्टी साइन नहीं करी हो, बट किसी ने आपसे ज़बरदस्ती वो प्रॉपर्टी ले ली और आपको देना भी पड़ा, तो ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किस में होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। लास्ट हमारे पास होता है इलीगल एग्रीमेंट, नो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी और पनिशमेंट। क्या होता है, जब हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ में, हमने जो फर्स्ट पॉइंट देखा था स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो था वो था वॉइड एग्रीमेंट, और अभी हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है इलीगल एग्रीमेंट। दोनों होते एक जैसे, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, वॉइड एग्रीमेंट में और इलीगल एग्रीमेंट में। बट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट्स जो होते हैं इसमें पनिशमेंट भी दिया जाता है, मतलब इसमें कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी तो थी नहीं, चीज़ें कोई इन्फोर्सिबल बाय लॉ तो थी नहीं, कोई रिटर्न एविडेंस इसका था नहीं, बट अगर कोई चीज़ें इलीगल हुई हैं, कानूनी तौर पर वो सही नहीं है, तो उसका आपको पनिशमेंट भी मिलेगा बाय कोर्ट। सो दिस इज़ व्हाट इलीगल एग्रीमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं, और जो ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।